कैपेबिलिटी फाइंड करेंगे तो हमें पता है कि टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, जिसके अंदर 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। वो टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स में 4 सूट्स होते हैं, 4 सूट्स। वन इज हार्ट, अदर इज डायमंड, क्लब, स्पेड, और हर एक सूट के अंदर 13 एलिमेंट्स होते हैं, 13 हार्ट, 13 डायमंड, 13 क्लब्स एंड 13 स्पेड। और हर एक सूट की कॉम्पोजिशन क्या होती है, उसके अंदर 2 से 10 तक एलिमेंट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, और जैक, क्वीन, किंग ये फेस कार्ड्स होते हैं और एक एस होता है। इस तरह से यहाँ पर शो किया गया कि 2 से 10 तक एलिमेंट्स होंगे, जैक, क्वीन, किंग, हर एक एक जो है वो सूट के अंदर 3 होते हैं, तो टोटल फेस कार्ड 12 हो जाते हैं। हर एक सूट के अंदर एक जैक, एक क्वीन, एक किंग होता है, और रेड रेड टोटल किंग 2 होते हैं, 2 डैक। उसके बाद हमने कार्ड इज चूजन फॉर 52 प्लेइंग कार्ड्स, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। कार्ड इज रेड, कार्ड इज क्लब, कार्ड इज किंग, कार्ड इज फेस कार्ड, कार्ड इज किंग ऑफ रेड। तो कार्ड इज रेड, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि 26 रेड होते हैं, टोटल 52 है, तो 26 ओवर 52 प्रोबेबिलिटी आ गई। फिर उसके बाद कार्ड इज क्लब, क्लब 13 होते हैं, हर एक सूट के अंदर 13 जो है, तो 13 ओवर 52 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। फिर कार्ड इज किंग, तो किंग 4 होते हैं, 4 ओवर 52 आ गए। कार्ड इज फेस कार्ड, 12 होते हैं, जैक, क्वीन, किंग, हर एक सूट के अंदर 3 होते हैं, 4 सूट्स होते हैं, तो इस तरह से 12 फेस कार्ड आ गए, तो 12 ओवर 52। कार्ड इज किंग ऑफ रेड कलर, जिस तरह से हम देखें रेड कलर के किंग 2 होते हैं, हमारे पास 2 ब्लैक होते हैं, 2 ओवर 52 आ गए। कार्ड इज किंग ऑफ डायमंड, तो डायमंड का एक किंग होता है, एक जो है हार्ट, क्लब और स्पेड का होता है, तो 1/52 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई साइन। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर बॉल्स की हमें कहा जाए तो वो बॉल्स को हमने टोटल करने में 6 रेड, 4 येलो, 8 ग्रीन, 7 ब्लू बॉल्स, और हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि बॉल इज येलो, बॉल इज ब्लू, तो हमने इन सारों को टोटल कर लेना है, तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस के एलिमेंट 25 आ जाएंगे। येलो की प्रोबेबिलिटी क्या है कि येलो 4 है, तो टोटल कितने हैं 25, तो 4/25 आ गए। इस तरह ब्लू की 7 है और टोटल 25 है, तो 7/25 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। इसी तरह हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, हमने टोटल कर लेना है, हमारे पास सैंपल स्पेस आ जाएगी। आईफोन की किस तरह से निकालनी है, तो 6 है तो 6 ओवर टोटल, इस तरह सैमसंग के 5 तो 5 ओवर टोटल इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। फिर है नंबर इज चूजन फ्रॉम फर्स्ट 100, तो 100 जो है वो हमारे पास सैंपल स्पेस में आ जाएंगे। फिर उसके बाद इवन कितने हैं, 50 इवन होते हैं, 50 ओवर 100 डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाय 5 कितने, आपने 5 का टेबल जो है 100 तक करना है पढ़ना, तो 20 आते हैं टोटल, तो 20 ओवर 100 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। इसी तरह डिविजिबल बाय 8, बाय 22, तो इन सारों के टेबल आपने 100 तक पढ़ के उसका सेट बना लेना, टोटल नंबर काउंट करने हैं, इस तरह 8 पे 12 नंबर आते हैं जो 8 पे बैठ होते हैं, और टोटल सैंपल स्पेस में 100 एलिमेंट है, तो 12 ओवर 100। इसी तरह डिविजिबल बाय 22, तो वो 4 है, तो 4 ओवर 100 इसकी प्रोबेबिलिटी। इसी तरह लास्ट ऑफ दो लास्ट प्रोबेबिलिटी के आ जाते हैं, जब स्टेटमेंट में इधर और का वर्ड यूज हो तब हमने प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी लगानी होती है, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ए नॉट तब हमने लगानी है जब नॉट का वर्ड स्टेटमेंट में। इस तरह क्वेश्चन पे आते थे 3 पॉइंट्स स्टार्स, तो हमने 3 पॉइंट्स के सैंपल स्पेस बना लेनी है। प्रोबेबिलिटी है इधर बोथ हेड एंड टेल पेयर और एटलीस्ट 2 हेड, इसमें हमने 2 जो है वो इवेंट बना लेने हैं, इवेंट ए आएगा बोथ हेड एंड टेल पेयर और एटलीस्ट 2 हेड पेयर, ये इवेंट बी है, इन दोनों के अलग अलग हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बोथ हेड एंड टेल पेयर की प्रोबेबिलिटी ए, बी जो है एटलीस्ट 2 हेड पेयर, ठीक है, तो जिसमें बोथ हेड एंड टेल आए वो ये है, वो टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 6/8 होगी। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब है कि कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3 आ सकते हैं, तो इसके अंदर टोटल 4 आते हैं, तो 4/8, और इन दोनों सेट के अंदर जो सेम एलिमेंट है वो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आ जाएंगे, 3/8 इसकी प्रोबेबिलिटी। अगर ऊपर वाला फॉर्मूला हमने लगा के तो ये कैलकुलेट कर लेना है। फिर इसी तरह आपने एग्जैक्टली 2 हेड्स आर नॉट पेयर, एग्जैक्टली 2 हेड नहीं आ रहे,
आपने एग्जैक्टली दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है, उसके बाद उसको माइनस कर देना वन से। इसी तरह दो डाइस की अगर आप करेंगे तो इसी तरह आपने इवेंट्स को डिवाइड कर देना है, सम ऑफ डोर्स इज ग्रेटर देन 7, इवेंट ए हो जाएगा, एब्सोल्यूट डिफरेंस 3 है, इवेंट बी हो जाएगा, इन दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फिर ए इंटरसेक्शन बी जो सेम एलिमेंट हो वो लिखने हैं और फार्मूला लगा के इसका निकाल लेना है। देख लेते हैं कि जो है वो सम ऑफ डोर्स इज नॉट 6, तो आपने ऐसे एलिमेंट देख लेने हैं जिसमें सम ऑफ डोर्स जो है वो 6 होना चाहिए। तो ऐसे कौन से एलिमेंट है, ये है जिनके अंदर सम ऑफ डोर्स 5, 1, 2, 4, 6 है, तो 5 ऐसे एलिमेंट है, तो हमने 36 टोटल जो है हमारे पास सैंपल स्पेस के एलिमेंट है उसे डिवाइड कर दिया। हमने यहाँ पर नॉट की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, नॉट की निकालने के लिए हमने ये मतलब फॉर्मूला यूज करना है 1 प्रोबेबिलिटी ए, तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। इसी तरह ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है कि टू डाइस और रोल, हमने इधर और का वर्ड है तो ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला और यहाँ पे नॉट वाला फॉर्मूला रखा। अब इसी तरह प्लेइंग कार्ड्स के लिए हम किस तरह से निकालते हैं, कार्ड इज चूजन फॉर 52 प्लेइंग कार्ड्स, 52 प्लेइंग कार्ड्स है, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट ईदर कार्ड इज ब्लैक और किंग, या ईदर कार्ड इज हार्ट ऑफ कॉइन, ईदर कार्ड इज डायमंड और फेस कार्ड, द कार्ड इज नॉट फेस कार्ड। अब ईदर कार्ड इज ब्लैक और किंग, तो यहाँ पर हमारे पास दो सेट बन जाएंगे, कार्ड इज ब्लैक, कार्ड इज किंग, ये हमारे पास बी वाला आ गया है, ये हमारे पास ए आ गया है, ठीक है। तो हमने कार्ड इज ब्लैक कितने हैं 26/52, किंग कितने हैं 4/52, और ब्लैक के अंदर किंग कितने होते हैं, ठीक है, जो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ब्लैक भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए, तो वो ऐसे क्या है, ब्लैक के किंग दो होते हैं, दो रेड के होते हैं, तो 2/52। फिर हम फार्मूला लगाते हैं कि प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह इधर कार्ड इज हार्ट और क्वीन, तो हम इसमें कार्ड इज हार्ट, कार्ड इज क्वीन, हार्ट कितने होते हैं 30/52, क्वीन कितने होते हैं 4/52, और ऐसे जो हार्ट की क्वीन या डायमंड का अगर हमने किंग देखा तो वो 1 होता है 1/52। तो हम इसको प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी करके इसका आंसर निकाल लेंगे। फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास कार्ड इज नॉट अ फेस कार्ड, यहाँ पर नॉट का वर्ड यूज किया, तो फेस कार्ड, कार्ड इज फेस कार्ड, इसके हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो कि फेस कार्ड 12 होते हैं, ठीक है, तो 12/52 1 माइनस कर देंगे तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी आ गया। इसी तरह कार्ड इज नॉट अ क्वीन, तो कार्ड इज क्वीन, क्वीन 4/52 होते हैं तो 1 माइनस कर देंगे, 1/13 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। इस तरह हमारे पास एक एक्सरसाइज क्वेश्चन आ जाता है कि कार्ड इज चूजन फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड्स, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इधर कार्ड रेड और क्वीन, इधर कार्ड स्पेड, यहाँ पर हमने ए यूनियन बी वाला फार्मूला लगाना है क्योंकि इधर और का वर्ड, यहाँ पर नॉट वाला फार्मूला लगाना है। फिर उसके बाद सिमिलरली बॉल्स की हम किस तरह निकालेंगे, बॉल्स को सम कर लेंगे सारों को, इधर बॉल इज रेड और ब्लू, ठीक है, यहाँ पर भी हम दो सेट बना लेंगे, एक ए का और एक बी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, और इंटरसेक्शन में 0 आएगा क्योंकि रेड और ब्लैक ब्लू मैच नहीं कर सकते, तो हम सिंपली प्लस करके इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। और नॉट वाले में बॉल इज नॉट रेड, तो बॉल इज रेड कितनी है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और वन माइनस कर देंगे, ये 1-6/25 करने से 19/25 आ गया। फिर इसी तरह हमारे पास अगर नंबर दे दिए जाएंगे कि नंबर इज चूजन फ्रॉम 100 नंबर्स, तो 100 जो है वो उसका सेट बना लेंगे हम, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट नंबर 100 का जो सेट होगा वो सैंपल स्पेस होगी, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट नंबर इज ईदर डिविजिबल बाय 3 or 5, या तो वो 3 पर डिविजिबल होना चाहिए, तो ईदर भी हम जो है वो दो इवेंट मानेंगे, ईदर डिविजिबल बाय 3 का और ईदर डिविजिबल बाय 5 का, ठीक है, ये पी वाला होगा ये ए वाला होगा, इन दोनों की अलग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इधर डिविजिबल बाय 3 इतने आ जाते हैं, डिविजिबल बाय 5 इतने आ जाते हैं, और इन दोनों का इंटरसेक्शन जो सेम एलिमेंट है वो इंटरसेक्शन भी, और टोटल हमने काउंट करके इसमें 33 आते हैं, तो 100 टोटल सैंपल स्पेस में थे एलिमेंट, इसमें 20 आते हैं, 100 सैंपल स्पेस में थे, इंटरसेक्शन में 6 आते हैं 100 सैंपल स्पेस में, और इसी तरह प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है इसमें।
फिर इसी तरह से हमारे पास नॉट का कहा गया था, नॉट डिविजिबल बाय 7, तो 7 पे जितने भी डिविजिबल है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 में से हमने माइनस कर देना प्रोबेबिलिटी ए को। और ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है कि नंबर सिमिलर इस तरह से कि 150 नंबर यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं, इधर हो रहा है तो यहाँ पे यूनियन और यहाँ पे नॉट वाला फॉर्मूला यूज